नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सिकाफत में, यानी बात संस्कृति की। तो आज संस्कृति और परंपरा के इस सफ़र में हम आपको ले चलेंगे जानी मानी लोक गायिका मालिनी अवस्थी के पारंपरिक लोकगीतों से सजी संगीतमय समारोह में। लेकिन लोकगीतों को सुनने से पहले हम आपको गायिका मालिनी अवस्थी के बारे में बता दें। मालिनी अवस्थी एक ऐसी लोक गायिका है जो हिंदी भाषा की बोलियों जैसे अवधी, बुंदेली और भोजपुरी में गाती है। वह ठुमरी और कजरी में भी अपने गीत प्रस्तुत करती है। भारत सरकार ने उन्हें गायन की इस कला के लिए 2016 में नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया है। राम कुआ हो बना पहिरे
घुड़चड़ी जिसे बोलते हैं, कुआं कुजाई पे जाते हैं, तो आपको सुना रही हमारे लखनऊ में जो गाया जाता है, मची है धूम शादी जो चीज़ प्रचलन में आ जाती है वही परंपरा बन जाती है। कमाल की बात है, चाहे गांव की बारात हो या कस्बे की, या फिर शहर हो या महानगर की, सभी बारातों का चरित्र एक जैसा ही होता है। कुछ ऐसे गाने जिसे जस कहा जाता है वो भी पारंपरिक होते हैं, क्योंकि कोई नहीं जानता कि इनकी रचना किसने की और लोगों ने उसे साध लिया है। तो चलिए आपको दिखाते हैं मालिनी अवस्थी के लोक गायकी में बारात में गाए जाने वाले गानों का ये सुरीला अंदाज। और उसके बाद जेब से निकलता है रुमाल, ये भी फोक है, परंपरा में शामिल हो चुका है। जिसने कभी जिंदगी में नहीं नाचा बारात में अपने अरमान पूरा कर, कौन देख रहा है वो वीडियो भी, दूल्हा दुल्हन के अलावा ससुर तीसरे को नहीं देख रहा। आमतौर पर नाग नागिन डांस करने वाले बड़े विचित्र जीव होते हैं, पहचाने जा सकते हैं। इनका वजन होगा 52 किलो, वजनी नहीं होते। आमतौर पर बड़े गंभीर प्रकृति के व्यक्ति होते हैं, शर्मीले से
लेकिन इस प्रकार की विशेष नृत्य कला में विशेष महारत और निपुणता हासिल होती है। वो स्वेच्छा से अपने आप को नागिन बनकर भूमि के आवंटित करता है, अपने आप को सौंपता है, दूल्हे के मामा सपेरा बनकर रुमाल को जाप ले बोलो तारा रारा ओ बोलो तारा रारा। और इस बीच में सन 50 से लेकर 2017 लड़की वालों के इतना थके हुए पसीने में लखपथ ओ गंगा मोरी ग्रो पंडित की वक्ता द्वाराचार शुरू होता है और वहां बज रहा होता है बहारों फूल बरसाओ मेरा पहले जमाने में ब्याह होने के बाद परिवार में लड़के के माता पिता सोचते थे कि अब लड़का माँ बाप को पूछेगा नहीं, तो पूर्वजों ने नेग लेने की रस्में बना दी। जैसे बच्चा पैदा हुआ तो माँ के लिए सोने का कड़ा बनाओ, बहन के लिए सोने की चूड़िया, क्योंकि इसी बहाने कमाई का कुछ हिस्सा घर में ही रह जाए। इस किस्से को मालिनी अवस्थी ने बेहद रोचक अंदाज में अपने लोकगीतों में सुनाया। बुढ़ऊ भी कूद गई यात्रा, अरे दे दो बाबू रानी कंगना ललन की बदलिया दे दो, दे दो बाबू रानी कंगना ललन की बदलिया मांगे ललित रानी कंगना ललन की बदलिया हो। ये कंगना मोरे मायके से आया, मायके से आया, मायके से आया। घर घर की कहानी, नया नहीं चाहिए, जो भाभी मायके से लाई है वही चाहिए। कितनी महाभारत है घर में इसीलिए हुई कि भाभी जैसा। अरे ये कंगना मोरे, अच्छा पहले बहुएं कह नहीं पाती थी सब बातें, लिहाज इतना था, सच्चाई कुछ और रही होगी, ऐसे कड़ा निकाल के दे दिया होगा, लेकिन जो भावना मन में रह गई वो तो गीत बन के निकलेगी। अरे ये कंगना मोरे मायके से आया, अरे ना ही मैं दू अपना कंगना लाल की बदलिया Yeah.
मालिनी अवस्थी के मधुर लोकगीतों को सुनने के बाद अब आपको 4 से 14 वर्ष के बच्चों द्वारा प्रदर्शित किया गया नाटक जंगे आज़ादी दिखाएंगे। इसमें बच्चों ने 1857 की क्रांति के नज़ारों को नृत्य और संवादों के माध्यम से रखा। इस नाटक को नन्हे बच्चों ने मंच पर अपने ही अंदाज में प्रस्तुत किया, जिसे देख कर आप भी बच्चों के जज्बों को ज़रूर सलाम करेंगे। क्या करें?
आज आपने मालिनी अवस्थी के पारंपरिक लोकगीतों को सुना और बच्चों की कला को देखा। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब अगले हफ्ते हम फिर संस्कृति के कुछ अनछुए पहलुओं को लेकर हाजिर होंगे। तब तक मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।